बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई का तारुफ हो चुका है कि ये माजूर है और ये अपने जज्बात का इजहार अपनी ज़ुबान में तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने जो इनको हाथ दिया ये इनकी हाथ इनकी ज़ुबान है, तो अपने जज्बात और एहसास और ख्यालात जो हिंदुस्तान की फिज़ा और माहौल में ये देख रहे हैं, तो उसका इन्हों अपनी हाथों के इशारों से इसको आपके सामने जिक्र करेंगे। तो आप लोग इनके इशारों को बगौर गौर से देखिए और इनको सराहते भी जाइए। वो कह रहे कि मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले हैं और हिंदुस्तान के शहरी हैं, लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि जो हिंदुस्तान में हुकूमत है फासिद हुकूमत, इनकी तरफ से कानून में तरमीम की जा रही है, अलग अलग बदलाव किया जा रहा है। कानून में चेंजेस किए जा रहे हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान में पहले हम सब मिलकर रहते थे कि अभी CAB, NRC, ये BJP हुकूमत की तरफ से और ये RSS की साजिश और मिलीभगत की ये देखने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को खासकर पिछले लोगों को इस मुल्क के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। जिस तरह से हिंदुस्तान में जो कानून बना था अंबेडकर के जरिए से, और वो कानून तय हो चुका है और लिख दिया गया है कि सारे धर्म के और समाज के लोग एक साथ रहने वाले, भाईचारों से कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, और ये परंपरा और मिसाल दूसरी दी है कि जिस तरह से गांधी जी ने सबसे भाईचारगी के साथ रहा है और सबको समानता का संदेश भी दिया है, और हमारा जो तिरंगा पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर लहराता है, लेकिन आज उसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसको कालों की नजर लग चुकी है और वो चाह रहे कि अंग्रेजों की इस पे चाल चले। उसी के लिए कानून लागू किया जा रहा है कि CAB NRC आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के अंदर फूट डाली जा रही है। हम सब लोग यहाँ जमा होकर इसका विरोध करते हैं। अब हम माजूर हैं, हमें सुना ही नहीं आता, बोलने नहीं आता, लेकिन दिखाई तो देता है, क्या बात है? हम देख रहे हैं कि इससे पहले 1000 और 500 के नोट जो बंद हुए थे, ये सबसे ज्यादा गरीबों का नुकसान हुआ है। अमीर लोग तो अपने आयेश में और इशरत में थे। जिस तरह से कानून पास हुआ था, जिस तरह से कानून पास हुआ कि नोटबंदी हो जाएंगी, तो सारे बैंकों के अंदर गरीब लोगों का वाम का उजुमता सब परेशान थे, खेती बाड़ी गिरवी रखी हुई थी, ये सब गरीब थे। तो हमारी ख्वाहिश है कि भाई कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे मिलकर रहेंगे जिस तरह से पहले मिलकर आ रहे थे, और ये हमारा एक नारा है कि हम सब साथ में रहेंगे, मिलकर रहेंगे, और जो NRC का काला कानून है इसकी हम मजम्मत और मुखालिफत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इशारों के अंदर ये कह रहे हैं आपको कि देखो हिंदुस्तान के अंदर हम सब मिलकर रहते हैं और हमारे अंदर भी कोई भेदभाव नहीं है माजूरों के अंदर, जिस तरह से पहले चलता आ रहा है कि हिंदुस्तान की जो रिवायतें हैं, ये देखा कि एक मुसलमान का घर है और एक गैर मुस्लिम भाई का हिंदू का घर है। अगर कोई मुसलमान के अंदर या हिंदू के अंदर कोई बीमार गिरता है, परेशान होता है, तो पड़ोस में एक मुसलमान उसके पास जाता है, उसकी खैर खैरियत पूछता है, उसकी बीमार की बीमारदारी करता है। जिस तरह से ईद होती है तो हिंदू भाई हमारे घरों में आते हैं, हम उनकी ज़ियाफ़त करते हैं शरफ़ुरमे के साथ, और जब दिवाली होती है तो हम भी हिंदू भाइयों के घर में जाते हैं और वो मिठाइयों के साथ हमारा स्वागत करते हैं। अगर देखने में आ रहा है ये देखने में आ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर BJP हुकूमत के जरिए से और RSS जिन्होंने अंग्रेजों से ये चापलू से अंग्रेजों के इन्होंने अंग्रेजों से रिश्वत ली और इन्होंने चाहा कि हिंदुस्तान को टुकड़े करना चाहा और हिंदुस्तान के अंदर फसाद फैलाना चाहा, तो देखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की और हिंदुओं की जो यकजहती है इसके अंदर फूट डाली। कि ये भाई कह रहे हैं कि जहाँ पे भी दंगे होते हैं, तो जब मुसलमानों का एहतजाज होता है तो वहाँ पे पथराव किया जाता है, तो पथराव में बल्कि मुसलमान नहीं है जो साजिश लोग हैं वो प्रूफ होते हैं, वो निकाल जाते हैं। तो ये और भाई कह रहे हैं कि हम CAB और NRC के कानून को हम रिजेक्ट करते हैं, और
माशाल्लाह कितनी अच्छी बात की है कि हमारे देश की रखवाली हिफाजत हमारे जो रहबर हमने पुलिस को चुना है, तो जहाँ दंगा और फसाद होता है तो उनकी ईमानदारी और जिम्मेदारी है कि उन्हें सही तहकीक करे, सही डिटेक्शन करे और फरमाया सही छानबीन करे और छानबीन करे, फरमाया जो कैदी जो मुजरिम है उसको पकड़े और फिर अपना फैसला करें। हमने उन पर भरोसा किया है, वो मजलूमों पर लाठीचार्ज ना करें, वो जुल्म ना करें, वो हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल को जमाए, हिंदू मुस्लिम यकजहती करें, आरएसएस और बीजेपी के जो एजेंडा है वो सबको सामने करें। जिस तरह भाई इशारों में कह रहे कि दलित हो गए, चमार हो गए, ईसाई हो गए, मुस्लिम और हिंदू हो गए, ये बहुत पहले से हिंदुस्तान में रहते हुए आ रहे हैं और ये संविधान और कानून बन चुका है। अब कोई नया कानून नहीं चलेगा, किसी की मर्जी नहीं चलेगी, किसी की हुकूमत नहीं है, किसी का भेदभाव नहीं चलेगा। हम अपने अपनी तरफ से सीएबी और एनआरसी का फरमाया के मजम्मत करते हैं और इस कानून को प्रोजोर रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पे माजूर है। और ये सब स्कूल के फरमाया के कॉलेजेस के अंदर जो लड़कों लड़कियों को मारा गया और जुल्म ज्यादती हुई, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं और उनकी भी यकजहती के लिए दुआ करते हैं। हाँ, और कह रहे कि ये हुकूमत जब से बीजेपी आ गई तो इस मुल्क के अंदर गरीबों का रेशो बढ़ गया, परेशान हो गए। और फरमाया कि हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो बार बार विदेश के दौरे करते हैं, जिसके वजह से मुल्क कर्जे में है, मुल्क घाटे में है। और फरमाया कि यहाँ पे औरतों का कोई हुकूक नहीं है, बलात्कार पे बलात्कार होते जा रहे हैं, इसलिए सही तहकीक करें और मुल्जिम को कैफर किरदार तक पहुँचाएं। ये हम सब माजूरीन की तरफ से हैं। सबसे कह रहे हैं कि सब हिंदू मुस्लिम यकजहती का मुजाहरा करें और सबके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह सलामती का माहौल कायम रखे, ये हमारी दुआ है। और ये भाई अपना पैगाम देना चाह रहे हैं नांदेड़ के माजूरों के जरिए से कि हमने जो देखा और जो महसूस किया कि ये अब हम इसमें रुकने वाले नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। और नांदेड़ की शुरुआत है माजूरीन की तरफ से, हत्ता के पूरे हिंदुस्तान तक माजूरों की आवाज पहुंचाएंगे। हम डरने वाली कौम नहीं है, हम भागने वाली कौम नहीं है, हम कमजोर कौम नहीं है। हम मरने के लिए तैयार है, हम अपनी जान के लिए, हम सहाबा की नस्लों में से है कि हम गोली से लाठियों से गड़ेंगे नहीं, घर हम भागेंगे नहीं, हम घर में छुपेंगे नहीं, बल्कि हिम्मत से मुकाबला करेंगे, आमने सामने मुकाबला करेंगे। हाँ भाई कह रहे कि अगर हिम्मत से हम अगर सामने नजर आए तो मुकाबला करेंगे, छुप कर क्या वार करना है। हाँ, हमारे अंदर रहना नहीं है, हम तकबुर नहीं है, हम सब मिलकर रहना चाहते हैं। हम माशाल्लाह बड़े जज्बात हैं इनके और ये कह रहे कि हम सब मिलकर रहना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है। और ये कह रहे कि सब हिंदुस्तान के जो कानून है उसकी हिफाजत करें, उसका ताउन करें, उसकी मदद करें, एक दूसरे की खिदमत करें। ये हिंदू मुस्लिम भाई सब सिख ईसाई भाई है, भाईचारगी से रहें सारे, इसके जरिए से एक पैगाम आगे सब जहन में रखें, एक दूसरे को लड़ाई फसाद झगड़े से हिफाजत करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखो हमारे भाई माजूरों के ये जज्बात है कि इनके जरिए से ये जालिम हुकूमत को समझना चाहिए कि कैसे कैसे लोग, आज उनको एहसास हो चुका है कि ये वाकई में जो कानून है ये एक फरमाया के जख्म के ऊपर एक मिर्ची है और ये एक ऐसी तकलीफदार चीज है जिसका इजहार कि अल्हम्दुलिल्लाह बेजबान लोग अपने जबान हाथ के इशारों में आकर कर रहे हैं। और हम सब उलमाए किराम का रिस्पेक्ट करते हैं, सारे लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं कि अल्लाह ने इनको तो सुना है और इनको इस मुकाम पर लाया है कि कौम की रहबरी कर रहे हैं। अल्लाह इन सब की मदद फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और दूसरी बात माशाल्लाह इतनी अच्छी की कि खुद जमाती जो तहरीक है जहाँ पे सब जमातों के नजर आ रहे हैं, तो बड़ी भाई ने कहा कि खुशी हुई कि पहली मरतबा ऐसा मौका देखने में मिला है कि सब मसले जमात के लोग सब यहाँ जमे हुए हैं और हम रिजेक्ट करते हैं एनआरसी का, सीएबी का, एनपीआर का, इसलिए ये आजादी आजादी का नारा लगाते हैं। रवि कुमार अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे रवि कुमार माजूर भाई हैं और ये दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से ये इस फिक्र में है, कोशिश में है कि कहीं मेरी भी कुछ इजहार ख्याल आप लोगों के सामने हो जाए, एक मैसेज और पैगाम चला जाए। कुछ सिख मजहब से भी ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई थे, वो भी बहुत देर से थे और अभी गए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इन माजूरों के अंदर एक बहुत मोहब्बत और यकजहती और भाईचारगी है। तो ये चंद वक्त के अंदर ही अपने इजहार का ख्यालात का इजहार करेंगे आप लोग और से देखें। देखो ये कह रहे हैं कि मैं एक पिछड़ी हुई जात से ताल्लुक़ रखता हूँ, समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हम जो माजूर हैं ये हम सब मिलकर रहते हैं, हम सब दोस्त हैं। हाँ हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई इतना फसाद नहीं है। आज देख रहा हूँ मैं कि एक दूसरे में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हम सब हिंदुस्तान की सम्मान करें, उसके कानून की रेस्पेक्ट करें। और आज जो हुकूमत देखने में आ रही है कि जो बीजेपी कानून तय कर रही है हम उसको रिजेक्ट करते हैं। माशाल्लाह देखो थोड़ा हमारे मौलाना सैयद आसिफ साहब नदवी आपके सामने अपने जज्बात का इजहार ख्याल कर पेश करेंगे, तो हम उनका तर्जुमा भी करेंगे, आप लोग गौर से देखिए।